नमस्कार, आदाब, द वायर में आपका स्वागत है। आज रेसलर्स प्रोटेस्ट का 9वां दिन है। पिछले रविवार को ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था और आज सोमवार को यानी 9वें दिन तक ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। विपक्ष के कई दलों ने, कई नेताओं ने खिलाड़ियों का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसको समर्थन दे दिया है। अभी कुछ देर पहले पूर्व क्रिकेटर पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर आए, उन्होंने अपना समर्थन जताया। जो बृजभूषण सिंह है, सांसद है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि बृजभूषण सिंह पर FIR दाखिल करो। उसके बाद दो FIR दाखिल होने के बावजूद बृजभूषण सिंह की अरेस्ट नहीं हो रही है और ये जो खिलाड़ी है लगातार यही मांग कर रहे हैं कि उनकी अरेस्ट हो जाए, तभी ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। हालाँकि 28 अप्रैल से यहाँ पर कि जो बिजली थी वो काट दी गई है। रात को यहाँ पर बिजली नहीं होती, यहाँ के जो टॉयलेट से यहाँ पर पानी नहीं होता, ऐसा खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है, ऐसा उनका मानना है। सरकार लगातार इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये खिलाड़ी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। अलग अलग स्तर से इस आंदोलन में समर्थन जुट रहा है। आज हम इस आंदोलन में आए हुए कुछ यंग पीपल है, जो युवा है, उनसे बात करेंगे और जो रेसलर्स है, युवा रेसलर्स है, जो देश का भविष्य है, उनको क्या लगता है इस आंदोलन के बारे में, ये सब जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। प्रॉब्लम्स तो देखो सर, रोज़ आती हैं, सुबह भी शाम को भी, दिन में मिलता है रेस्ट बस, बाकी सुबह भी। रेसलर तो एक की तो लाइफ ऐसी होती है, दिन में दो बार भरता है, सुबह भी और शाम में भी। ऐसे बहुत प्रॉब्लम आती हैं, जिस जो मतलब रेसलिंग करते हैं, रेसलिंग लाइन वालों को तो सबको ही पता था इनका, बृजभूषण सिंह का, तो अब थोड़ा खुल के आ गया है पब्लिक के सामने, इसलिए। देखिए, बेसिकली तो हमारे देश के मान सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं, विनेश फोगाट हैं, साक्षी मलिक जी हैं, मेडल जीत के लाते हैं ये, तो अगर इन्हीं के साथ शोषण होगा, इन्हीं के साथ बदतमीजी ऐसी होगी, तो आम आदमी की बेटी का क्या हाल होगा। तो हम तो प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाने हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपने एक नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप इस बेटी को इंसाफ दिलाइए। आप पहले विनेश फोगाट से मिले प्रधानमंत्री जी, आपने वीडियो भी देखी होगी उनकी, उन्होंने कहा भी था कि विनेश तो मेरे घर की जैसी बच्ची है, तो अपने घर की जैसी बच्ची को आप इंसाफ दिलाइए। और जो लोग आपकी पार्टी में गंदे किस्म के लोग भरे पड़े हैं, इसके जैसे बृजभूषण जैसे, उनको आप पार्टी से निकालिए। कि जो यंग रेसलर्स आ रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स आ रही है, फ़र्क ये पड़ेगा कि अपने लिए आवाज़ उठानी, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने हकों के लिए आवाज़ उठाएं, है ना। तो वो आवाज़ उठाने की उनके अंदर वो, मैं कहूँगा, एक कला आ जाएगी, या कला से अच्छा शब्द मैं कहूँगा कि हिम्मत आ जाएगी आवाज़ उठाने की। वो आने वाले समय में लेडीज़ अपने लिए आवाज़ उठाएंगी, कुछ भी मोलेस्टेशन होती है, बदतमीजी होती है, उसके हिसाब से। अगर कहीं कॉम्पिटिशन होता है बाहर, तो उनके मतलब स्टेट के बच्चे होते हैं जो, उनको मतलब ज़्यादा मतलब हमारे जितनी प्रैक्टिस भी नहीं करते, फिर भी मतलब हमसे मतलब उन्हें ऊपर ही मिलता है जो कुछ भी मिलता है, तो हमें मतलब हम जीते जीते भी हरवा देते हैं। एक बार फिर ऐसा ही पंगा हुआ था कॉमनवेल्थ की ट्रायल में, तो ये सब होता है। बृजभूषण सिंह ने खुद आके मतलब वो रेसलर को हरवा दिया था, इसलिए बहुत बड़ा पंगा हो गया था उसके बीच में, ऐसे होता है। और हरियाणा वालों से पता नहीं क्या दिक्कत है उन्हें बहुत ज़्यादा। देखो, हम जाएंगे, लड़ने जाएंगे, तो वहाँ पर मतलब कितना भी कुछ करेंगे तो हमें मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं, कितनी भी प्रैक्टिस करें, उनके स्टेट वाले ही ले जाएंगे सब कुछ, समझे, उनके स्टेट। और बार बार धक्के खाने पड़ेंगे हमें उनके पास जाके, और फिर वो बोलेंगे कि हमारे पास इतने दिन पहले आए थे प्रोटेस्ट करने से पहले, समझे। तो यही बात है। और रही बात लड़कियों के साथ भी, ये मान लो, अब जो बच्चे रेसलिंग करते थे उन्हें तो पहले से ही पता था, बट अब पूरी दुनिया को पता चल गया उनका सच क्या है, बृजभूषण सिंह का। भाई, जब तक न्याय नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं जाने वाले, ठीक है, और वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कब तक हमको यहाँ बिठा के रखना है। देखिए, बेसिकली तो खाप प्रधान है, खाप प्रधान के प्रतिनिधि है, इसके अलावा और भी कई लोग आए, गांव से आए हैं, बहुत से संगठन आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम धीरे धीरे करके आगे इस प्रोटेस्ट को बढ़ाएंगे हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में, तो हमें उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर सुनेंगे इस बात को और वो एक्शन जरूर लेंगे। FIR दिल्ली पुलिस ने लॉन्च कर दी उनके खिलाफ, अब हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। देखिए, ये तो फ्लॉस है हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर कि तारीख ऑलरेडी बहुत लेट लगती है, इस पर तो क्या है, सरकार को एक डिसीजन लेना चाहिए, तो जुडिशियल सिस्टम है उसको तेज करा जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाए इसके लिए ना, ताकि जल्दी डिसीजन लिया जाए, जल्दी न्याय मिले लोगों को, लोगों की उम्र बीत जाती न्याय लेने में इस देश में। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा इसको, भाई जाति के अंदर मत बांटो बिल्कुल भी, ठीक है, ये देश की बेटी है हमारी, पूरा देश इनके साथ खड़ा है तन मन धन से। ये एक आंदोलन है जो भारत देश की जनता के लिए, भारत देश की 50% आबादी के लिए हो रहा है। ये सिर्फ एक रेसलर्स का प्रोटेस्ट नहीं है,
ये उस हर नारी का प्रोटेस्ट है जिसके साथ विश्वास वो रेप की एक घटनाएं होती हैं। इंडिया में कितना बुरा हाल है आप ये देखो, ये तो वो हैं जो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आ गए हैं और ये सब कर रहे हैं, इनकी जब सुनी नहीं जा रही है तो एक आम जनता क्या कर रही होगी, आम जनता की कहाँ सुनाई, कहाँ सुनवाई है, आम जनता के साथ क्या होता होगा। ये तो बहुत बड़े लोग हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, अगर आप नॉर्मल लोगों को देखोगे तो उनकी तो विचारों की कहीं भी नहीं होगी। और कोई ऐसा थोड़ी आप एक जाति विशेष के मुद्दा बना के दिखाया जा रहा है और ये सब करा जा रहा है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक औरतों की बात है। औरत जो 50% इंडिया है, और सिर्फ 50% नहीं पूरी दुनिया में 50% है, उनके साथ ऐसा दुर्विश्वास होता है, सारा रेप केस होता है और उस पर राजनीति हो रही है, वो कितनी गलत चीज़ है, आप ऐसे नहीं करना चाहिए। और हम मोदी जी से भी यही डिमांड करते कि जितनी जल्दी से जल्दी ये ठीक हो पाए, जो भी उनको सजा होनी है वो सजा हो, वो ज़्यादा बेटर है। और इससे इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सजा होनी चाहिए, सजा के वो मिलनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। अगर आपका एक्यूज्ड हो, आप उस पर पद से इस्तीफा भी नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो मोदी जी बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है। मोदी जी के बोलने से आपको खुद भी तो आप में गरिमा होगी ना, आपके घर में भी बहन बेटियाँ हैं, सबके घर में होती हैं, आप ऐसा मत करो ना जनता के साथ। आप जनता के साथ ऐसा कर रहे हो, आप दिखा रहे हो वहाँ पे एक जगह स्टेटमेंट आप दे रहे हो कि भाई मैं नहीं हूँ, मेरे को पार्टी की ज़रूरत है, मेरे को कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं है, पार्टियों को मेरी ज़रूरत है, आप ऐसे बयानबाजी कर रहे हो, ये सब गलत है। आप आओ जनता के बीच में, आप कोई मना थोड़ी कर रहा है, आप मोदी जी से ये सारे क्या डिमांड कर रहे हैं, मोदी जी की डिमांड कर रहे हैं कि आप आओ और हमसे आके जुड़ जाओ, हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। आप अपोजिशन लीडर्स आ रहे हैं, अपोजिशन लीडर्स आएंगे क्यों, क्योंकि उनमें भी तो इंसानियत जिंदा है ना, आप में है तो आप भी आके बैठ जाइए, कोई मना थोड़ी करेंगे मोदी जी को आने के लिए, मोदी जी आ जाएं, आके बैठ जाएं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, समर्थन दे दें, वो कोई बात नहीं करेंगे। 3 महीने पहले आए थे ना ये लोग, आके उठ के एक बारी में अनुराग ठाकुर आए, आके बोला उन्होंने कि भाई हम यहाँ पे समर्थन देने आए हैं, आप आपकी जो भी सुनवाई होगी वो हम करेंगे, इन्होंने जैसे ही बोला समर्थन करेंगे वो लोग तुरंत उठ के चले गए। अब उसके बाद 3 महीने बाद उनको दोबारा मजबूरी में आना पड़ा तो फिर आंदोलन चलेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।